हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगा के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज का प्रीमियर लीग, जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग का मैच नंबर 8, जो कि दो दिग्गज टीम्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें वन साइड आपको टिमांगो नाइट राइडर्स देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी साइड हमें एंटीगुआ फाल्कन्स देखने को मिलेंगे। यह मैच 6 सितंबर को एंटीगुआ सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच मॉर्निंग के 4:30 पर स्टार्ट होगा भारतीय समय अनुसार। अब अगर बात करते हैं उससे पहले दोस्तों, अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ बैटिंग लेग बेहतरीन जगह है। पिछले कुछ सालों में हमने कई हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे, क्योंकि पिच सपाट हो गई, आउटफील्ड भी तेज हो गई, फास्ट बॉलर इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया और स्पिनर को भी बाउंस एंड टर्न मिलती है। पिच समतल हो गई, जैसा कि हाल अधिकांश मैच में देखा गया, बॉलर्स को सतह कुछ शुरुआत में हलचल मिलेगी, लेकिन इससे बैटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 10% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 90% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके स्कोर देखते हैं, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 147 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 139 है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जहां पे दोनों के बीच में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला गया, यहां पे फर्स्ट टाइम दोनों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे के साथ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यानी पहले टीम टिमांगो नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करें। टीम टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रांग टीम में से एक है, टीम ट्रॉफी जीतने की फेवरेट है, किरण पोलार्ड जो टीम के कप्तान बने, टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, टीम की बैटिंग काफी स्ट्रांग है, पहले गेम में टीम ने 250 रन बना दिए। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि सुनील आए, जैसन रॉय है, नंबर 3 पर जो कि निकोलस पुरन, जो कि सबसे ज्यादा 97 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में आपको कैसी कार्टी, ड्वाइन ब्रो प्लाट टीम की सबसे बड़ी ताकत है, वहीं पर एंड्रे रसेल पहले मैच में नहीं खेले थे। बॉलिंग में आपको पेस जॉस लिटिल, नाथन एडवर्ड्स स्पेल की स्टार्ट करेंगे, जॉस ने जहां लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में आपको सुनील आयन है, वकर सारा मेल टीम के एक्सपीरियंस लाते हैं, जहां पे टेरेंस सिंह ने 1 विकेट लिया था। अब बात करते हैं टिमांगो का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि जैसन रॉय है, सुनील नारायण है, निकोलस पुरन है, सैगरी पैरिस है, कैटी कार्टी, किरण पोलार, ड्वाइन ब्रावो, वकर सालम मेल खेल, नाथन एडवर्ड्स है, टेरेंस हिंट्स है, जॉस लिडिल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि सुनील नारायण है, ड्वाइन ब्रावो है, निकोलस पुरन है। अब अगर बात करते हैं, यानी दूसरी टीम एंटीगुआ फाल्कन्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पहली बार खेल रही टीम की शुरुआत अब तक बहुत ही खराब चल रही, टीम का अब तक खाता नहीं खुला, टीम ने इस सीजन में सबसे ज़्यादा 4 मैच खेले और टीम 4 मैच हार के आए, टीम ने अब तक 4 मैच में टारगेट डिफेंड करते हुए हारी है, टीम टेबल के सबसे नीचे स्टेबिलिटी। अगर टीम के कप्तान की बात करेंगे जो क्रिस ग्रीन है, ओपनिंग में आपको जस्टिन ग्रेव्स और फकर जमन जो कि अटैकिंग प्लेयर है, फकर ने अब तक 121 रन बनाए, नंबर 3 पर जो कि कॉफी जेम्स को चांस मिला है, सैम बिलिंग्स को लोअर ऑर्डर में प्रमोट किया गया लेकिन वो भी अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, जहाँ पर जुएल एंड्री 123 रन, टीम के लीडिंग स्कोरर भी, टीम का लोअर ऑर्डर में आपका फैव एलन है, माध वसीम, क्रिस ग्रीन रनों की उम्मीद होगी। बॉलिंग की टीम की असली वीकनेस यहाँ पर दिख रही है, बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पा रहे, स्पेल की शुरुआत मोहम्मद अमीर और समर स्प्रिंगर करेंगे, जो कि अमीर आउट ऑफ फॉर्म में दिख रहे, स्प्रिंगर ने सबसे 6 विकेट लिए। वहीं पर हेडन वॉल्स को लास्ट गेम से ड्रॉप किया गया था, जहां पर क्रिस ग्रीन, फैव एलन भी विकेट निकाल रहे हैं, जहां पर माध वसीम ने अब तक 5 विकेट लिए। अब बात करते हैं यहां से फाल्कन्स का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि फकर जवान है, जस्टिन ग्रेव्स है, कॉफी जेम्स है, सैम बिलिंग्स है, जोएल एंड्री, क्रिस ग्रीन है, माध वसीम है, फैबियन एलन है, रोशन क्रिमर्स है, समर स्प्रिंगर है, मोहम्मद आमिर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि कॉफी जेम्स है, फैब एलन है, सैम बिलिंग्स है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। एंटीगुआ अब तक टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रही है, दूसरी तरफ टिमांगो के बैटर इस पिच पर तबाही मचा रहे हैं, जो पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा रन भी बनाए थे। यहाँ पर फॉर्म को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच मिला टिमांगो नाइट राइडर्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।